नमस्ते, मेरा नाम रजत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। ललन टॉप की 6 टीमें इस समय चुनावी कवरेज पर हैं और देश के तमाम हिस्सों में इलेक्शन कवर कर रही हैं। साथ में फेसबुक के साथ मिलकर हम वर्कशॉप कर रहे हैं ताकि फेक न्यूज़ से बचा जा सके। लोगों को बता रहे हैं कि वो फेक न्यूज़ से कैसे बच सकते हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम सुल्तान पहुंची झारखंड के हजारीबाग में। वहाँ पर उनकी उनकी वर्कशॉप में मौजूद थे चंद्रदेव। चंद्रदेव को एक खबर पर शक है, वो एक वायरल फोटो की सच्चाई जानना चाहते हैं। ये है चंद्रदेव के फ़ोन से जो उनका फ़ोन से खींची गई फोटो है, तो ये वो फोटो है, इसकी वो सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या इसी मौलवी ज़हरान हाशमी ने, जो श्रीलंका के अंदर बेकसूरों की जान गई है, जो श्रीलंका के अंदर ईस्टर के दिन धमाके हुए थे, उन धमाकों के पीछे क्या इसी का हाथ है और क्या यही वो सुसाइड बॉम्बर है या कोई और है। तो चंद्रदेव चाहते हैं कि हम इस दावे की पड़ताल करें। आप चंद्रदेव से पहले पूरा वीडियो सुन लीजिए। मेरा नाम चंद्रदेव कुमार हुआ और मैं चुंबा गांव से हूं। मेरे पास मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया है सीरियल ब्लास्ट श्रीलंका के विषय में, पता करना है सही है या गलत है। पहले दावा जान लेते हैं। दावा किया जा रहा है ये है वो आतंकी मौलवी ज़हरान हाशमी जिसने चर्च और होटलों में सीरियल आत्मघाती धमाकों में हजारों बेकसूर लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। साथ में ये फोटो दिखाई जा रही है, ये फोटो मैं चाहता हूँ आपको करीब से दिखाई जाए। ये फोटो शेयर की जा रही है, इस फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि यही है ज़हरान हाशमी जिसने वहाँ पर सीरियल बम धमाकों में आत्मघाती जो हमला किया है, आत्मघाती वहाँ पर अटैक्स किए थे। हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की, रिवर्स सर्च करने पर इस खबर के संबंधित कई खबरें, कई फोटोज हमारे सामने आई। दरअसल 21 अप्रैल को ईस्टर के दिन श्रीलंका में धमाके हुए थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, सुसाइड बॉम्ब्स हुए थे, जिसमें तकरीबन 250 से 300 लोगों की जान गई थी। आंकड़ा बढ़ कम हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी भी लोग उसके उस हादसे के जो दंश है उससे उसे भुगत रहे हैं, उससे अभी तक निकल नहीं पाए हैं। इस हमले के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने जानकारी दी थी कि चरमपंथी कट्टरपंथी ग्रुप, जो आतंकवादी ग्रुप है आईएस से जुड़ा श्रीलंका का इस्लामिक चरमपंथी ज़हरान हाशमी शंगरीला होटल के पास हुए धमाके में मारा गया है। यानी ये सुसाइड बॉम्बर था, ये आईएस से जुड़ा हुआ था, सुसाइड बॉम्बर था। और इसने धमाकों के बाद इस्लामिक स्टेट ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हाशिम जो था दिख रहा था। ये वो उस वीडियो का एक स्क्रीन ग्रैब है, ये फोटो टेलीग्राफ ने भी जारी की है। इसके अलावा ये वीडियो है, ये आईसिस ने जारी किया है जिसमें वो काले कपड़े पहने आपको सामने दिख रहा होगा, इसका नाम ज़हरान हाशमी है। श्रीलंका का मुस्लिम समुदाय भी इस कट्टरपंथी मौलवी को के बारे में आगाह करता रहा था, उस वहाँ पर भी इसका विरोध था, लेकिन बाद में ये ऐसी घटना को अंजाम देगा इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। तो जो ज़हरान हाशिम था ये नेशनल तौहीद जमात का नेता था, इसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बाद में बैन भी वहाँ पर लग गया है इस पूरी जो संस्था है उस पर। तो हमारी इस पड़ताल में नतीजा ये निकला कि जो तस्वीर शेयर की जा रही है वो सही है। 21 अप्रैल को हुए धमाकों में ज़हरान हाशमी ही आरोपी था और ये तस्वीर ज़हरान हाशमी की है। तो अगर आपको भी किसी ऐसी खबर पर शक हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है पड़ताल mail@gmail.com। मेरा नाम रजत है और आप कैमरे के पीछे हैं आदित्य। शुक्रिया।